हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एमजे रिएक्शन। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मुनव्वर फारूकी के ऊपर, मुनव्वर फारूकी थग लाइफ और फनी मोमेंट्स के ऊपर जो कि बिग बॉस के अंदर जो है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। गो। एनी हेल्प? नहीं भाई, आपका भी आएगा ना तो मैं नहीं करूँगा। जल्दी करो। 5 4 3 2 1। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। गुड। वैसे भी टिकटॉकर लोग 10 सेकंड ही रहते। इतना इतना कंटेंट नहीं बना सकते तुम लोग, 10 सेकंड 15 सेकंड बस। तो तेरे को पूछ रही है। और जो चूज हो चुका उसमें से कोई चूज नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है सर पे बैठ जाएगा, सो जाएगा तो हो कर सकता है। नहीं, बट ऐसे कैसे चूज करेगा अभी? मैं तो बिरयानी खाता ही नहीं हूँ, मैं चावल ही नहीं खा रहा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को फुटेज छीन ले। मेरे शक को यकीन में बदलना चाहोगे आप, या आप चाहोगे कि मैं और थोड़ा संयम से काम लूं, जल्दबाजी ना करूं? मैं नाइट सूट रख के आई, तुम बातें करो और यहीं पे स्टेशन पे खड़े रहो। देखो प्रियंका चोपड़ा की बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन इस पर भरोसा करें। तू बाहर क्या कर लेगा? मैंने हाथ पकड़े हुए हैं, बाहर क्या कर लेगा? मेरे को पता नहीं आया। अरे लड़के लड़ने के बाद भूख नहीं लगेगी उनको? खाना करो, खाना बनाओ जल्दी। बाहर क्या कर लेगा तू? नहीं नहीं गिरूंगा नहीं, इकोनॉमी नहीं। हाय दोस्तों, मैंने अभी ट्विटर पे देखा है, सब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ऐसा लिख रहे हैं कि ओनली रेन कैन सेव इंडिया, सिर्फ बारिश बचा सकती है इंडिया को। तो यार ऐसे मत लिखो, हर्ट होता है। हम ऐसे बोलते हैं क्या कि सिर्फ लोन ही तुमको बचा? वो था तूफान जो दस्तक देकर आया था, अकेला था लगा लश्कर लेके आया था। पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया। जैसे कि हमने अपने गुरु से सीखा है, दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर नियत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस है ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पकड़ लेगी आपकी, जनता हवलदार है। इन्होंने तो बता दिया इन्होंने अपने गुरु से क्या सीखा, आप बताएंगे आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया? मैंने सड़कों पे सिखाया तो कोई गुरु नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया। बट लेकिन वो दिखता है, पूरा दिखता है, दिखता है, वो तो दिखना भी चाहिए क्योंकि पूरा 80% हिंदुस्तान सड़कों पे है। नहीं 80% तो नहीं है, 80% है। नहीं अभी तो स्वच्छ भारत है। रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ
कि अगर मान लो ऐसे जनरली क्या होता है कि फर्स्ट वीक में कोई जाता नहीं है तो हम मतलब छोड़ देते ना कि अरे पहला वीक कोई नहीं जा रहा तो हम बोलेंगे तो अगर ये बार भी ऐसा हुआ सेम बोला मैं तो चिढ़ाऊंगा बिग बॉस को कि तुम तो बोल रहे थे बदल गया हूँ ऑल घीसा पीटा रोज हर बार घीसा पीटा कोई नहीं ये क्या बात है नॉमिनेट फिर अभिषेक बोलेगा क्या बात है यार इन्होंने कितना अच्छे से दिए हैं तो तुम क्या जो जला के लेके आई थी कपड़े नहीं मतलब इट्स कितनी क्विकली क्या आया सबमिटेड देम द क्लोथ्स टुडे ये सब नहीं बताना होता है प्रोटोकॉल्स प्लीज बिग बॉस देख रहे हो तुम क्या फॉलो कर रहा मैं रूल बिग बॉस मैं कमरा चूज नहीं किया क्योंकि मेरे को शक हुआ ही औरत पे सॉरी मतलब लड़की पे लगा कोई पहचानेगा नहीं लेकिन ये देखो ये वहाँ पे सोच रहा है इंट्रोवर्ट है बट फिर भी पहचान लिया मेरे को देखो भाई तू एक मिनट तू इधर आ कैसे पहचाना सर आपको बोलने दे सर अरे ये मत बोल तू कसम से सर मैं पहचानने में आ रहा हूँ इसमें ठीक है अभी यहाँ पे जमा मत हो बुरा लगता है भाई आप कमाल है भाई ये बंदा मतलब दिमाग से खेलने वाला बंदा है भाई ये मतलब इसको इस इंसान को पता है कि मैंने किस जगह के ऊपर मैंने क्या बोलना है क्या करना है क्या नहीं करना और पहले भी एक रियलिटी शो के अंदर दिखे थे हमें और उसके विनर रह चुके हैं ये और अभी बिग बॉस के अंदर है और बहुत ही कमाल का खेल रहे हैं दिमाग के साथ खेलने वाला बंदा है भाई ये और पब्लिक ने तो अभी तो से ही बोल दिया है कि मुनव्वर फारूकी जो है विनर है बिग बॉस के बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दो बंदों के बीच में कॉम्पिटिशन है एक मुनव्वर के बीच में और एक UK 07 के बीच में बिकॉज बंदे की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है उसको सपोर्ट है बहुत ज़्यादा बाकी अभी पता नहीं वो बंदा अंदर क्या कर रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रही उसकी बाकी आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़।